बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। ग्लोबल स्पीक्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। फ्रेंड्स, बाकरखानी का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा और बहुत सारे लोगों ने इसको तो बड़े शौक से खाया भी होगा। लेकिन बाकरखानी का आगाज़ कहां से हुआ और इसको दो प्यार करने वालों के साथ क्यों मंसूब किया जाता है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल ग्लोबल स्पीक सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बरवक़्त मिलती रहें। जी हाँ फ्रेंड्स, बाकरखानी का नाम जहन में आते ही सौंधी सौंधी खुशबू और लच्छेदार टिकिया का ख्याल जहन में आता है, जिसकी ऊपर वाली सतह पर चीनी और तिल छुपे होते हैं और चाय की प्याली में ये बाकरखानी इस तरह घुल मिल जाती है जैसे कोई आशिक अपने महबूब को देकर पिघल सा जाता है। बाकरखानी दूध, मैदे, घी और चीनी और तिल की मेज़े से तैयार की जाती है। ये खस्ता और तहदार होती है। इसका जायका और खुशबू इसको दूसरी तमाम रोटियों से मुमताज करती है, जिसकी हर तह मुंह में गुल सी जाती है। ये पाकिस्तानियों के नाश्ते में खाया जाने वाला पसंदीदा खाजा है, जो कि अपने असरात के सबाब दूर हजम और तवानाई बख्श होता है। इनका साइज हर इलाके एतबार से मुख्तलिफ होता है। कराची के अंदर इसका जायका बड़े साइज के एक बिस्कुट जैसा होता है, जबकि पंजाब और केपी के में ये एक नान के साइज की होती है। बाकरखानी खाने वाले बहुत कम अफराद को इस बात का पता होगा कि इसको बाकरखानी का ये नाम दर हकीकत मोहब्बत की एक अधूरी कहानी के याद में दिया गया है। जिस तरह दुनिया भर में ताजमहल मोहब्बत की एक दास्तान की यादगार के तौर पर बनाया गया, इसी तरह बाकरखानी भी दर हकीकत आगा बाकरखान और उनकी महबूबा खानी बेगम की मोहब्बत की यादगार के तौर पर बनाई गई थी। आगा बाकरखान नवाब सराजुद्दौला की फौज के चटागांग के फौजी जनरल थे और वो शाहिर कासरा खानी बेगम के इश्क में बुरी तरह गिरफ्तार हो गए थे। मगर इनके साथ साथ नवाब सराजुद्दौला के एक और अफसर जैनुल खान भी खानी बेगम की मोहब्बत में गिरफ्तार थे। मगर खानी बेगम की नजर करम आगा बाकर पर थी और वो जैनुल खान को पसंद नहीं करती थी, लिहाजा इंतकाम के तौर पर जैनुल खान ने खानी बेगम को अगवा करवा लिया, जिनको आगा बाकर ने अपनी कोशिशों से आज़ाद करवाया। इस मौके पर जैनुल खान रूपोश हो गया और हर तरफ ये अफवाह गर्दिश करने लगी कि आगा बाकर ने जज्बात रकाबत के तहत जैनुल खान को कत्ल कर दिया है। नतीजे के तौर पर बादशाह ने इन्हें शेर के सामने जिंदा ही डालकर मौत की सजा सुना दी, मगर आगा बाकर अपनी बहादुरी के सबब शेर को मार कर बच गए और वहाँ से फरार हो गए। इस मौके पर जैनुल खान ने एक बार फिर खानी बेगम को अगवा करके कत्ल कर डाला। इस मौके पर बंगाल के नान भाइयों ने आगा बाकर और खानी बेगम की यादगार के तौर पर इनकी यादगार रोटी को बाकरखानी का नाम दे डाला और ये रोटी बंगाल से निकलकर पूरे हिंदुस्तान में बाकरखानी के नाम से इनकी मोहब्बत की यादगार के तौर पर मशहूर हो गई और सब लोग आज भी इस रोटी को बाकरखानी के नाम से ही याद करते हैं। तो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या इससे पहले आपको इस मोहब्बत की एक लाजवा दास्तान के बारे में मालूम था और वो खुराक जो हम बड़े शौक़ से अपने घरों में खाते हैं, क्या इस बाकरखानी के बारे में जो मालूमात हमने आप दोस्तों को प्रोवाइड की है क्या आपको इससे पहले मालूम था। तो कमेंट में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही मदबर होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।